जोश के साथ अभिनंदन करिए कुमार विश्वास का। तालियां जोरदार होनी चाहिए। जय सियाराम। कुमार भाई अभिनंदन है, पग पर चप्पल नहीं है, ठंड का माहौल है, गला खराब है, लेकिन राम काज करने को आप आतुर हैं। राम काज करबे बिना मोई कहा। तो चप्पल तो अमीश भाई इसलिए नहीं है कि ये बहुत सारे लोगों को पता भी है देश में भी जी कि मैं ब्रज में और अयोध्या जी में चप्पल नहीं पहनता, पहले से नहीं पहनता। बचपन में हमारी माँ जो हमारे गांव में बस जाती थी ना तीर्थों की, तो उसमें टिकट बुक करा के सब भाई बहनों को लेके गई वृंदावन। तो जैसे ही ब्रज आया और उतरने का समय आया, उन्होंने सबसे कहा चप्पल उतारो, जूते उतारो, और लेके संदूक में बंद करके और उसे जंजीर से बांध दिया। बोले अब चलो। तो हमने कहा माई चप्पल, बाहर तो ठंड लगेगी। उन्हें दी चप्पल पीछे से। उसने कहा कि अरे जिस जमीन पे भूमि पे स्वयं भगवान चले हों, अरे उनके छुआ हुआ एक कण भी तुझसे छू गया तो तेरा जन्म सफल हो जाएगा। बहुत यही बहुत सोच के हम ऐसे ही घूमते हैं। लेकिन आपने इस देश में राम कथा का एक नया चलन शुरू किया, और मैं ये बात इसलिए आज आपको कह रहा हूं क्योंकि अपने अपने राम जब आपने शुरू करा और पूरे देश भर में उस भ्रमण करा, और शायद उस समय आपको किसी ने ये भी कहा होगा अरे भाई अभी राम का नाम क्यों ले रहे हो, कहीं काम ना बिगड़ जाए तुम्हारा। नहीं, लोगों ने ये भी कहा कि अच्छे खासे कवि हो, नंबर वन के कवि हो, सबसे ज्यादा मार्केट है, और धर्म और अध्यात्म पे बोलोगे तो ये जो यूथ आइकन का टैग है ये हट जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं जिस आइकन पे बोलने जा रहा हूँ सारे टैग उसी में समाते हैं जो राम नाम है। तो ये तो नाम ही ऐसा है, रमे तीति रामः, जो रमण करता है वो राम है। और हम तो यहाँ मैं 30-35 वर्ष से आ रहा हूँ। जब वो कभी चप्पल नहीं डाली आपने? अवांछित पत्थर यहाँ उगे हुए थे 500 साल पहले, कुछ आता था ही लगा गए थे, वो पत्थर भी मैंने देखे थे। उस समय गुस्सा आता था, फिर जब उसकी सफाई हो गई, जैसा अटल जी ने कहा था कार सेवक आएंगे भजन करेंगे, अब भजन बैठे बैठे तो खड़े खड़े तो होता नहीं है तो बैठेंगे। तो फिर जब टेंट में रामलला थे तो गुस्सा आता था, ग्लानी होती थी, यार बताइए इतने इतने हजारों वर्षों से लोगों के मन प्राण में बसने वाली चेतना और राजनीतिक कारणों से इतने अपमान में, और आज अयोध्या की सड़कों पर जो नृत्य चल रहा है, मुझे लग रहा है कि भगवान जब 14 साल बाद लौटे होंगे तब भी शायद यही जादू रहा होगा, ऐसा ही जैसा आज चल रहा है अयोध्या की सड़कों पर। तो जब आप ये जब आपने ये दृश्य देखा तो मन का भाव क्या था? मन का भाव मेरे ये था कि सीता के रघुनाथ लखन के, तालियों के साथ साथ दीजिए, भैया सुख के धाम मिलेंगे, सीता के रघुनाथ लखन के, भैया सुख के धाम मिलेंगे, सीता के, जब तक सब नहीं गाओगे मैं यही गाऊंगा, सीता के रघुनाथ लखन के, भैया सुख के धाम मिलेंगे, आ जाओ सब चले आओ सब, आ जाओ सब चले आओ, इस जगह सभी को अपने अपने राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, गाइए राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, तुझको तेरे राम मिलेंगे, मुझको मेरे राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान। जय तुलसी के राम है, केवट के राम है, शबरी के राम है। मैं आपसे पूछता हूँ कुमार भाई आपके राम कौन से हैं? मेरे राम
मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने, गाओ, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम, जिव्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, जिव्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने देखे थे, मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने तालियों के साथ साथ दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, अपने 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 राम, मंगल भवन या मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, अपने 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 राम, बोल सियावर रामचंद्र की जय। चलिए अब राम से थोड़ा राम नीति से थोड़ा राजनीति की तरफ भी आते हैं। कहा ऐसा विषय लिया है अमित, अब लाना तो पड़ेगा ही, क्या करें, पब्लिक भी चाहती है आपको सुनना। आपने 5 साल पहले एक साक्षात्कार किया था मेरे साथ, बड़ा लोकप्रिय हुआ। हाँ, अभी भी लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, तो मैं उन सब चीजों पर भी आऊंगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी आरएसएस इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, राम तो सबके हैं। अच्छा देखो जी, एक बात बताओ मुझे, स्टेडियम में जब इंडिया की टीम खेल रही होती है जी, तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, बिल्कुल, देखने आते हैं 2 लाख जी, जब लास्ट बॉल पे छक्का मार के इंडिया का खिलाड़ी जिताता है तो वहां खड़ा हुआ हर नागरिक सेल्फी लेके अपना फोटो लगाता है कि मैं भी खड़ा हुआ था वहां जी, पर जी। तो अगर जी जी, तो अगर किसी खिलाड़ी के टाइम में वर्ल्ड कप फाइनल जीत गए तो खिलाड़ी बल्ला नहीं लहराएगा कि देखो मैंने जिता दिया जी। अब उस बल्ले की चपेट में आ जाओगे तुम तो चोट भी लगेगी और गाली भी खाओगे, क्या फायदा। नहीं, सिर्फ बल्ले की चपेट में नहीं आ रहे, ये जो जो जितवा रहा है और जो जीत रहा है, क्योंकि इंडिया जीत रहा है, तो सवाल कर रहे हैं कि अब एक मंत्री ने तो बोल दिया, कांग्रेस के नेता भी हैं, वो मंत्री भी हैं कर्नाटक के, कि डॉल रखी हुई थी, मूर्तियां तो थी नहीं। ये डॉल क्या होती है? गुड़िया रखी हुई थी। कांग्रेस को गुड़िया से बहुत प्यार है, गुड़िया। एक बात है भला, ऐसे खराब बात है, अच्छी बात नहीं है जी। देखो क्या है कि इस सारी टिप्पणी पे मैं आपके चक्र में फंसूंगा नहीं जी। नहीं, हमको फंसाने के लिए थोड़ी पूछ रहे हैं हम। अभी जब मैं लैंड किया तो मैं लैंड करते मैं रोया जी, ऐसा कुछ खास बात नहीं थी, मैं आया हूँ बस इतना ही तो था जी, पर मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा कि दिन है, और मैं उतरा और मैंने अभी तो ताजा एयरपोर्ट बना है जी, तो वहां क्या भगवान के चरण होंगे, फिर भी मैंने अपना माथा पृथ्वी पर रख दिया, मैं लेट गया, शीश नवा दिया। हाँ, मुझे लगा कि आज बड़े दिन में आया हूँ, ये तो बहुत 550 साल इसी सरयू ने लाल पानी देखा है, रक्त देखा है, वो किसके लिए गए, वो सिर्फ ये चाहते थे कि जिस एक
परमात्मा के नाम पर उनकी सुबह होती है, राम राम भैया, राम राम। बच्चा पैदा होता है, कान में बुआ कहती है राम, जाता है पूरा गांव कहता है राम का नाम सत्य है। ये जो विरोध कर रहे हैं ये भी जब जाएंगे तब भी गांव कहेगा राम का नाम सत्य है, पर ये तब सुन नहीं पाएंगे, इनका दुर्भाग्य होगा तब सुन नहीं पाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि एक पंक्ति गोस्वामी जी ने उन सब के बारे में लिख दी है, दो पंक्तियां जी। एक तो वो जो टिप्पणियां कर रहे हैं और जो अभी भी नहीं समझ पा रहे, वो अर्धाली ये है, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लई, पहले हर लई। दिनकर जी ने इसका अनुवाद किया जी, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। एक तो ये, हमको 2 महीने पहले फोन आया कि कुमार विश्वास जी 21-22 तारीख लिख लीजिए, अयोध्या में ये समारोह है और आपको रहना है, जो कुछ 2-4 हजार लोग रहेंगे। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। तब से मैं इसे गूंगे के गुड़ की तरह अंदर अंदर छुपाए छुपाए अपना काम करता फिरता रहा कि मैं जाऊंगा जी। कुछ हमारे मित्र ऐसे हैं जिनमें मेरे भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, रोजात आप भी दांत घिसते हो उनके साथ रोज, हाँ वो मुर्गे लड़ाते हो ना आप अवध के नवाबों की तरह, और फिर जो कम लड़ता है फिर उसको पीछे से कुछ लड़ता क्यों नहीं है, आप रोज काम ये करते हो। पहले हम भी आपके साथ करते थे जी जी जी, पर फिर भगवान ने हमारा उद्धार कर दिया और हम यहाँ आ गए। देखिए उद्धार वहीं हुआ है, वहीं से हुआ है शुरू। नहीं, देखिए राम ना होते ना जीवन में जी। अगर अध्यात्म ना जाना होता, माँ से ना पड़ी होती मानस, तो आज हम सरयू के किनारे बैठकर यह पुण्य ना भोग रहे होते, हम भी दारू का हिसाब दे रहे होते कितनी कहाँ गई कैसे गई। ये भगवती की कृपा है, सरस्वती की कृपा है, इनकी कृपा है जिनके दरबार में बात है, ये तो उन्हीं की कृपा है। दूसरी पंक्ति है, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ली जी। जिनको निमंत्रण मिला उसके बाद भी जिन्होंने कुचर्चा की या आगे कब आएंगे नहीं आएंगे, उनके लिए एक पंक्ति है, सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाही। हो सकता है उनमें इतना विवेक ना हो कि वो इसको इसकी महत्ता समझें, खूब खूब चुनाव लड़े, एक दूसरे के खिलाफ हरा दें, सरकार बना लें कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, जहां जहां बनानी है सब बनाएं, लोकतंत्र में अच्छा काम है। लोकतंत्र की रोटी अलटती पलटती रहनी चाहिए, ये किसने कहा? लोहिया जी ने, समाजवाद के बड़े नेता बिल्कुल। और लोहिया जी की बहुत बड़ी किताब है, आप सब जरूर पढ़िएगा सब दर्शक, राम कृष्ण और शिव, हमारे समाजवादी मित्रों को जरूर पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा ये तीन लोग इस देश की प्राण वायु हैं, अब आप सांस ही लेना बंद कर दोगे फिर कहोगे मैं मर गया, तो भाई साहब इसमें मेरा कोई दोष थोड़ी, आपने सांस ही नहीं लिया आप मर गए, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। आप तो अभी आप किसी दल के साथ नहीं है, लेकिन जो कुछ विश्लेषक हैं और नेतागण हैं वो कहते हैं ये संघ और भारतीय जनता पार्टी का एक इवेंट बन के रह गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं हूं भाजपा में, मैं तो आया हूं, आप भी नहीं है, आप में से कोई भाजपा में है क्या जी? देखो मना कर रहे हैं तो सब जय सियाराम। इनकी नानी ने इनको मना नहीं करा होगा। वो क्या कह रहे हैं आगे जो सज्जन बैठे हैं, वो कह रहे हैं मैं सनातनी हूं। सनातनी है। अब आप ये बताइए कोई मुझसे कहता है मंदिर फला पार्टी ने बनवा दिया, फला प्रधानमंत्री ने बना दिया, फला मुख्यमंत्री ने बना दिया, त्रैलोक्य के स्वामी का घर बनाने की औकात अभी किसी प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री की हुई नहीं है, ये बनाएंगे? जिसकी रचना चांद तारे ये जमी सोचो जरा, जिसकी रचना चांद तारे ये जमी सोचो जरा, उसका मंदिर तुम बनाओगे अमा सोचो जरा। हम सबको, प्रधानमंत्री जी को, प्रतिपक्ष के नेताओं को, जिनका नाम ही शंकर पर है मल्लिकार्जुन जी, जिनका नाम राम पर है येचुरी जी सीता राम जी, और जिनके पोते ने कहा राम नहीं हुए, जिनके बाबा का नाम ही भगवान का पर्यायवाची था करुणा निधि जी, वो कहते हैं राम नहीं हुए, पोता बोला राम नहीं हुए, उन्होंने तो सनातन को भी बहुत बुरा, उन्होंने कहा राम नहीं हुए, मैंने कहा राम नहीं हुए और बाबा हो गए तुम्हारे। बड़ा मुश्किल काम है। तो
उन सबको ये समझना चाहिए कि राम कृष्ण और शंकर इस देश की सांस में समाए हुए हैं, इसके कण कण में समाए हुए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि कण कण में समाए हैं, लेकिन कई लोग तो सबूत मांगते रहे और अभी भी सबूत मांग रहे हैं, कह रहे हैं गर्भगृह में मंदिर नहीं बन रहा, अभी भी बहुत कुछ बातें कह रहे हैं। कई नेताओं की तो नानी कहती थी कि ऐसे मंदिर में राम कैसे आएगा। नहीं नहीं कोई दिक्कत, देखिए नहीं नहीं ये क्या है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग बोल सकते हैं। ये दुर्भाग्य है कि 29 साल कोर्ट के दरवाजे पर 200 करोड़ लोगों की आस्था खड़ी रही। मुझे गर्व है कि मैं भारत में रहता हूं जहां एक भी व्यक्ति ने कोई हिंसक प्रतिवाद नहीं किया, केवल हिंसा सही और कहा कि भगवान का घर तो एक दिन लेके रहेंगे, एक ना एक दिन लेके रहेंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा छोड़िए, चलिए नाम सुनावे। इस देश में आदमी इन चीजों से जगता है, रास्ते में रात को अकेला लौटता है ना बस अड्डे से और अंधेरा आ जाए तो यही बोलता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। आप इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? इस देश में बड़ा अद्भुत, मैं तो हंसता हूं आनंद लेता हूं, आप भी लिया करो, गुस्सा मत हो ना, जितने लोग देख रहे हैं। 29 साल मुकदमा चला किस बात पे कि राम हुए या नहीं हुए, और आखिरी चरण में जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई तो कोर्ट बंद हो गया। तो मैंने मिलॉर्ड को फोन करा, मैंने कहा साहब अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई, और छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे। यार तो चलता रहता है, समय समय की बात है, कभी कभी पुलिस किसी की भैंस ढूंढती है और वक्त बदल जाता है तो पुलिस उसे ही ढूंढती है जी। आपने एक ऐसी बात बोली कि मेरा सवाल ही गले में रह गया, लेकिन सवाल को मैं वापस लाता हूं। कुमार भाई एक बात बताइए कि ये जो पूरा माहौल देख रहे हैं आप, राममय माहौल हो रहा है और चुनावों का भी माहौल आने वाला है, ये जो नेता बहिष्कार कर रहे हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कई नेताओं ने बकायदा बोला हम बॉयकॉट करेंगे यानी बहिष्कार करेंगे इस कार्यक्रम का, तो पब्लिक क्या करेगी? अरे सर ये तो आध्यात्मिक उत्सव है। आप देखो घर में बहुत अच्छी शादी हो जाए, खूब अच्छी शादी हो, सब कुछ ठीक हो, आपको उस घर में भी दो चार फूफा मिल जाएंगे, अजी हमारे हिसाब से ना हो रहा है, हम ना मान रहे हैं इसमें। उन फूफाओं के रूठने से ना तो शादी रुकती ना संततियां पैदा होना रुकती जी। दो चार दिन के रूठे हैं फिर आ जाएंगे, दावा कर रहा हूं यही इसी सरयू में फोटो खिंचवाते ना दिखे तो नाम बदल देना आप मेरा, सब यही आए। लेकिन सनातन को लेकर बहुत कुछ कहा गया बीते दिनों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो कहा कि हिंदू एक धोखा है, आपने जिनका नाम लिया उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने भी सनातन को लेकर एड्स कोविड पता नहीं क्या क्या बोला, क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल दौर है इसमें हम भूल गए हैं कि मर्यादा क्या होती है? ये देश तो सनातनी है। देखो क्या है ना, ये पहले रामकृष्ण का देश है, पहले ये फार्मूला चला था जी। ये फार्मूला 65 साल चला इस देश में, जहां माइनॉरिटीज को यह बताया गया कि तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। माइनॉरिटी भले बिचारे, उन्होंने सोचा ऐसे ही होता होगा, वो भले होते रहे, कॉम्बिनेशन बनता रहा। हर कोरोना का वैक्सीन आता है, इस माइनॉरिटिज्म का वैक्सीन आया मेजॉरिटिज्म जी। अब मेजॉरिटिज्म ने बताया कि देखो ऐसा नहीं है, हम अगर एक साथ लड़ेंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब सब जाति सब चीजें एक विगलित हो गई और एक मेजॉरिटी के लोग एक साथ इकट्ठे हो गए जी। सोचते पहले भी थे ये, सोचता पहले मैं भी था, पर मुझे लगता है यार मुझ में ही कुछ कमी होगी जो मेरे विचार से पॉलिटिकल पार्टियां डील नहीं कर रही। अब पॉलिटिकल पार्टीज आ गई जिनको पता है कि ऐसे करने से फायदा होगा तो वो फायदा लेने आई है, आप अपना नुकसान लेके बाहर क्यों खड़े, आप भी फायदा लेने आ जाओ यार, इसमें क्या दिक्कत है? पर समझ नहीं आ रहा, चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं उसके बाद भी नहीं समझ रहे, लेकिन राम मंदिर नहीं आएंगे लेकिन शिव के धाम जाएंगे, राम मंदिर नहीं आएंगे लेकिन किसी और मंदिर में चले जाएंगे, राम मंदिर नहीं आएंगे सुंदरकांड का पाठ कराएंगे दिल्ली में। क्या होता है, आपने क्रिकेट में एक खिलाड़ी के लिए कहते ना कदम फ्रीज हो जाना, उसमें आउट हो जाता है जी। खिलाड़ी कहता है मैं आगे बढ़ू कि पीछे जाऊं, आगे बढ़ू कि पीछे जाऊं, सुंदरकांड करूं कि लंका कांड करूं, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, उस चक्कर में खिलाड़ी आउट हो जाता है।
तो उस चक्कर में आउट हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये राजनीतिक विषय है नहीं, आपका तो देखिए दैनिक काम है हर विषय को राजनीतिक बनाना, आपकी एक्सपर्टीज राजनीतिक विषय है। कुमार भाई इतनी सारी बातें हुई, जिन लोगों ने बनाया वो भी गलत है। देखो जो लाभ उठा रहे हैं वो कौन आदमी लाभ नहीं उठाएगा मुझे बताओ आप। आपको कल को आपके नौकरी देने वाला आपका चैनल कल को कहने लगे अमीश भाई जी कि हम आपको लाख रुपए देते हैं, अमीश जी कल से हम आपको 10 लाख देंगे, तो आप मालिक से लड़ोगे? नहीं जी मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो 1 लाख लूंगा। आप कहोगे बहुत अच्छा सर आपने बहुत अच्छा। तो रामचंद्र जी ने इनसे कहा जिन्हें फायदा मिला कि बेटा मैं तुम्हें इतनी सरकारें देता हूं, तो हाँ प्रभु लाओ 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 सरकार लाओ सरकार। दूसरे समझ नहीं रहे इस बात को, क्या करें। बाकी लोग संकटों में फंसे हैं तो सुंदरकांड करा रहे हैं। देखिए आप फिर मुझे वहीं ला रहे हैं जहां मैं नहीं आऊंगा। सवाल तो पूछूंगा, सवाल पूछने का तो अधिकार है। देखिए इतना अच्छा विषय है, सरयू जी का किनारा है, तभी तो सरयू का किनारा है, तभी तो मैं चाहता हूं कि आप सच बोले। मैं सच ही बोल रहा हूँ, हमेशा बोलते हैं सरयू के किनारे पे सच बोल रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आपको कोई अपने घर खाने के लिए बुलाए और एक तरफ खीर रखी हो और एक कटोरे में भूसा रखा हो तो आप क्या खाएंगे? खीर खाएंगे। और आप मुझे भूसा परोस रहे हो कि इस पर टिप्पणी करो मैं क्यों और फालतू की बात। जब आप कार सेवकों को याद करते हैं, मैं राम मंदिर की बात करता हूं, कार सेवकों को याद करते हैं और उस दौर की बात को देखते हैं कि क्या हुआ होगा, तो क्या मन में भाव आता है कुमार भाई? मैंने अपने जवानी का जो पहला आंदोलन देखा है जी, वो दो आंदोलन देखे, एक मंदिर आंदोलन और एक मंडल कमीशन जी। हम लोग 19-20 साल के थे और फिर आपने अन्ना आंदोलन खड़ा कर दिया। हाँ वो भी खड़ा किया और अच्छा आंदोलन था, बहुत ऐतिहासिक आंदोलन था, कोई दोराय नहीं है। किसी आंदोलन का आउटपुट क्या निकलता है ये अलग बात है, लेकिन आंदोलन बहुत बड़ा था और हमने अपनी पूरी जान लगाई, नौकरी छोड़ दी विश्वविद्यालय की, इस्तीफा।